एल्विश मुनावर दोनों मेरे भाई हैं, मैं दोनों को यही बोलना चाहूंगा कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव और फुकरा इंसान एक बार फिर आए आमने सामने। एल्विश ने मारा फुकरा इंसान को टोंट। ईसीएल मैच को लेकर बोली बड़ी बात, तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों ईसीएल मैच यानी कि बेंगलोर बेंगलोर चाहे वो आईपीएल का मैच हो या फिर ईसीएल का मैच हो, बेंगलोर हर बार पोजिशन में लास्ट ही पाई जाती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ब खुद फुकरा इंसान भी कह चुके हैं। फुकरा इंसान की अब टीम अब तक सारे मैच हार चुकी है। हालांकि आज का मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। फुकरा इंसान ने 5 छक्के मारकर पहली बार अपनी टीम को जिता दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक दूसरे के फैंस यानी कि पांडा गैंग और एल्विश आर्मी आमने सामने आ गई। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है, एल्विश ने एक ट्वीट किया, लिखा जीनियसली फीलिंग बैड फॉर बेंगलोर और यहाँ पर सैड इमोजी डाला, जिसके बाद लोग ये मान रहे थे कि एल्विश ने रोस्ट किया है फुकरा इंसान को। और इसके बाद फुकरा इंसान ने क्या कुछ कहा है मुनावर फारूकी और एल्विश यादव को लेकर, मैं चाहूंगा ये छोटी सी क्लिप है इसको एक बार को आप जरूर सुनिए। एल्विश मुनावर दोनों मेरे भाई हैं, मैं दोनों को यही बोलना चाहूंगा कि भाई इसमें वोटिंग नहीं टैलेंट का तो प्रैक्टिस कर लो क्योंकि टीम तो अच्छी आएगी इस बार, बैंगलोर दिल्ली ट्रॉफी भी जीतेगी। तो ये थी वो क्लिप जहां पर फुकरा ने साफ किया कि एल्विश मेरा भाई है, मुनावर भी मेरा भाई है, लेकिन दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि यहां पर वोटिंग नहीं चलेगी, दोनों तैयारी करके आना तभी मैच को जीत पाओगे। लेकिन दोनों ही मैच जीत गए और फुकरा इंसान मैच हार गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई सारे कमेंट हैं जहाँ पर लोग फुकरा इंसान को ट्रोल कर रहे हैं। तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि एल्विश यादव जो है वो ट्रोल कर रहे हैं फुकरा इंसान को। वेल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।